माय नईम उद्दीन हमारी सीरा है ब्रत न्यूज़। नाज़रीन असां मेट्रो जो आम्हूं साम्हूं बिल्कुल मेट्रो जो आम्हूं साम्हूं शाराए फैसल ते बीठा आहियूं, जिते अफ़्तारी जो बंदोबस्त कयो वियो आहे। हिते पाकिस्तान जे मशहूर ऐं मारूफ़ तरीन कॉमेडियन सलीम आफरीदी कॉमेडियन बीठो आहे, अचो त हुन सां ॻाल्हियूं कयूं, हिन जे अफ़्तारी जे ज़िमेदारनि सां बि ॻाल्हियूं कयूं। अस्सलामु अलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर पहले तो आप अपना नाम बताएं और अपने इस इदारे का नाम बताएं। मेरा नाम ज़ुबैर तनवीर है और हमारी फाउंडेशन का नाम है दी ह्यूमैनिटी एरा। सर ये इदारा आपका कितने टाइम से और कब से यहाँ पर आप लोगों को अफ्तारी करवा रहे हैं और इसके अलावा क्या क्या इस इदारे के काम हैं वो आप हमें बताएं। पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इब्रत न्यूज़ का, जो कि हमारे दस्तरखान पे आए, हमारे दस्तरखान को जीनत बख्शी। भाई ने अच्छा सवाल किया कि हम लोग क्या काम करें। बेसिकली हम 2016 से खिदमत इंसान का काम कर रहे हैं और इसके साथ साथ हम लोगों के प्रोजेक्ट्स बहुत सारे चल रहे हैं। मेन हमारा भी आजकल अफ्तारी का चल रहा है। 3 साल से हम अफ्तारी यहाँ पर करवा रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर 2200 लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह हम अफ्तार का अहतमाम करते हैं। इसके साथ साथ हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है बूंदे आपके नाम से, जिसके अंदर हम लोग थर पारकर और उन एरियाज में जाके पानी मुहैया करते हैं जहाँ पर लोगों को पानी की बहुत दुश्वारी है, ख्वाह वो कराची हो, बलोचिस्तान हो, थर पारकर हो, वहाँ पर कर रहे हैं। इसके साथ हमारी टीम ने मिलकर 2 मस्जिद की तामीरात करी है और दीगर मसाइल पर काम कर रहे हैं। हमारा एक प्रोजेक्ट है ORS, जहाँ पर हम उन गाँव के बच्चों को तालीम दे रहे हैं जो कि वाकई में उसके ज़रूरतमंद हैं, 1 रूम स्कूल। तो ये एक हमारा कॉन्सेप्ट है। इंशाल्लाह हम आप जैसे भाइयों की तावुन के साथ ही हम ये काम कर रहे होते हैं। माशाल्लाह। और सर आप ये बताएं कि यहाँ पर इस इफ्तारी में आपने क्या क्या इस आवाम के लिए इफ्तारी में आइटम रखे हैं वो आप हमें बताएं। बेसिकली हम जो खुद घर में खाते हैं हम वही अपने भाइयों को भी खिलाते हैं। ये लोग हमारे मेहमान हैं। हम बहुत खुशनसीब हैं कि घरों में 2-3 मेहमान आते हैं, लोग उनका कितना अहतमाम करते हैं। हम रोज़ाना अपने दस्तरखान में 600 लोगों का यहाँ पर करते हैं अहतमाम, 400 हब रिवर रोड पे, 200 गिजरी में, और इसके साथ साथ हम घरों में भी पैकेट्स पहुंचाते हैं। अब आपके सवाल का जवाब दूं कि आपने पूछा कि खाने में क्या है, तो यहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर चिकन बिरयानी, फ्रूट्स, खजूर और शरबत लोगों को मुहैया किया जाता है। और आप हमारे साथ दस्तरखान में रहिएगा तो इंशाल्लाह आपको भी जब खिलाएंगे यहाँ का खाना तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। चला ये मेरे ख्याल से ये तो कई सालों से ये लगा रहे हैं और द ह्यूमैनिटी एरा जो फाउंडेशन है और यहाँ पाकिस्तान में इनको ज़ुबैर तनवीर देखते हैं और ये हमारे दोस्त हैं और इनके जो सरपरस्त हैं वो भी हमारे अजीज हैं। तो पाकिस्तान से बाहर जो लोग इनकी मदद करते हैं और फिर उस हवाले से ये पूरे साल मुख्तलिफ तरह के, यहाँ तक के मौसमियाती हवाले से और मुख्तलिफ हवाले से ये काम करते रहते हैं, वर्क करते रहते हैं। राशन का इंतज़ाम जैसे रमज़ानों में, और फिर जनाब अली कई सालों से कर रहे हैं, फिर यहाँ अफ्तारी का एहतमाम मेन शाराए फैसल समझ लें यहाँ ये कर रहे हैं। और ये बड़ी इनकी काविश है, मेहनत है और मुख्तलिफ हवालों से यतीमों की, गरीबों की और मुस्तहिक लोगों की सारा साल और बीमारों की स्पेशली सारा साल ये हेल्प करते रहते हैं और इनके तवसुत से बेशुमार लोग फैज़ उठाते हैं। मैं भी, हमारे दोस्त हैं, तो इसी सिलसिले में आया हुआ था। आज अफ्तारी का सिलसिला है और यहाँ इंशाल्लाह इन सब के साथ बैठ के अफ्तारी करेंगे। मेरा नाम सिकंदर है और हमारा इदारा दी ह्यूमैनिटी एरा, जहाँ तो आपने देख लिया है जैसे शाह फैसल के ऊपर दस्तरखान लगता है, इसी तरह हमारा एक दस्तरखान लगता है बल्दिया टाउन में बिल्कुल इसी तरीके का। और बाकी डिफरेंट मदारिस के अंदर, डिफरेंट मसाजिद के अंदर जो है अफ्तारी का अहतमाम किया जा रहा है। इसके अलावा जो पसमानदा इलाके, जिसमें समझ लें लांडी कोरंगी के इलाके ख़ासतौर पर, वहाँ पर वो लोग जो लेडीज़ हैं, जैसे फैमिलीज़ हैं, घर से बाहर नहीं आ सकती हैं, तो वहाँ पर हमारे पूरे प्रॉपर पैकेट्स, जिसके अंदर हमारे पास पुलाव होता है, वहाँ पर पानी की बॉटल, फ्रूट और खजूर, ये पैकेट अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे घरों के अंदर जो है ना डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर। फर्स्ट रमज़ान से 30th रमज़ान तक ये चलता रहेगा सिलसिला। इस बल्दिया टाउन के अंदर इसी तरह का दस्तरखान है और यही जो दस्तरखान यहाँ पर लगा हुआ है, जो बिरयानी जहाँ ये बनती है, यहाँ से मलीर में, जहाँ से भी पैकेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं मलीर के इलाके के अंदर, और जहाँ भी जहाँ का हमें वॉलंटियर मिल जाता है आसानी के, वो जो आके हमें लिस्ट दे देता है या बता देता है कि यहाँ पर इस इलाके में इतने पैकेट की ज़रूरत है, तो वहाँ हम पहुँचाते हैं। इसके अलावा थर पारकर वगैरह की साइड या इंटीरियर सिंध की साइड, जहाँ पे पानी के मसाइल हैं, 4-4, 5-5 किलोमीटर से लेडीज़ ख़वातीन उनकी
पानी अपने सरों पे रख के कंधों पे रख कर लेकर आती हैं। वहाँ पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन पानी का इंतजाम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के नाम से वहाँ पर हम लोग कुएँ नष्ट किए जा रहे हैं। हमारा टारगेट है पूरे 99 नाम अल्लाह के पूरे मुकम्मल करने, जिसके अंदर से हम 70-80% टारगेट अपना अचीव कर चुके हैं और कुछ रह गया वो भी इंशाल्लाह इस साल के अंदर हमारी उम्मीद है कि वो पूरा हो जाएगा। इसके अलावा हम स्कूलों के ऊपर बहुत वर्क कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है इंटीरियर में एजुकेशन का सिस्टम नहीं है। आज से 100 साल पहले जिस तरह लोग रह रहे थे आज भी उसी तरह लोग रह रहे हैं, क्योंकि कोई डेवलपमेंट ही नहीं आ पा रही। जब एजुकेशन ही नहीं तो कोई डेवलपमेंट कैसी। तो वहाँ पर स्कूलों का हमने समझ लें बुनियाद डालना शुरू करी है, पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, इस बुनियाद के ऊपर हम भी काम करते जा रहे हैं। ये तमाम खदमात हैं जो हमारा इदारा तमाम लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। नाज़रीन असां हिते ह्यूमैनिटी फाउंडेशन वारन सां गॾु वियासीं, हिननि इफ़्तारी कराई ऐं सलीम आफरीदी साहब सां बि ॻाल्हायोसीं ऐं हिन ह्यूमैनिटीअ जे ज़िमेदारनि खां इहा ॻाल्हि बि पुछीसीं ऐं हिननि ॿुधायो त हिन इफ़्तारी खां अलावा कुझु ॿियनि हंधनि ते इंटीरियर सिंध में ऐं घणनि जॻहियुनि ते हिननि जूं कोशिशूं ऐं कवशूं हलनि पियूं। नईमुद्दीन, इबरत न्यूज़, कराची।